डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हम कक्षा 12 विषय बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 41 है वह आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेसन नंबर 41 में हमने कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के 4 वीडियो पढ़ लिए हैं। आज हम इस चैप्टर का वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक रेशम कीट पालन है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। इसका पार्ट नंबर 5। आज का हमारा मेन टॉपिक रेशम कीट पालन है। रेशम कीट पालन, इसे सेरिकल्चर कहा जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ये कॉम्पिटिशन की दृष्टि से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से, मत्स्य पालन से, रेशम कीट पालन से, या इनमें से कोई नहीं? तो सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से होता है। रेशम कीट पालन यानी सेरिकल्चर होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्यापारिक दृष्टि से कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन रेशम कीट पालन यानी सेरिकल्चर कहलाता है। एक बार पुनः रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर है, व्यापारिक दृष्टि से कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट की अलग अलग जातियां होती हैं। इन अलग अलग जातियों से प्राप्त होने वाला रेशम भी अलग अलग होता है। तो रेशम कीट की प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट की पहली जाति इसके बारे में पढ़ रहे हैं वह बॉम्बिक्स मोराई। इस बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट की जाति से जो रेशम प्राप्त होता है वह मलबरी सिल्क कहलाता है। ये जो बॉम्बिक्स मोराई है, इसका जो पोषक पादप है वह होता है सहतूत, मोरस एल्बा। रेशम कीट की जितनी भी जातियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जाति होती है वह यही होती है, बॉम्बिक्स मोराई। इसलिए रेशम कीट की जो 5 जातियां हम पढ़ेंगे उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह इसी का बनता है, बॉम्बिक्स मोराई का। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। मलबरी सिल्क रेशम कीट की किस जाति से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है बॉम्बिक्स
मोराइसे, बॉम्बिक्स मोराइसे। दूसरा प्रश्न बनता है बॉम्बिक्स मोराई नामक कीट को प्रमुख रूप से किस पादप पर पाला जाता है, या यह कीट किस पादप की पत्तियों को खाता है। तब उत्तर हो जाएगा सहतूत पादप की पत्तियों पर पाला जाता है। रेशम कीट की एक नंबर जाति बॉम्बिक्स मोराई जो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे जो रेशम प्राप्त होता है वह मलबरी सिल्क कहलाता है और ये सहतूत की पत्तियों को खाता है। नंबर दो एंथेरिया पेपिया, एंथेरिया पेपिया इससे प्राप्त जो रेशम है वह टसर सिल्क कहलाता है और इसका जो पोषक पादप है वो अर्जुन। रेशम कीट की दूसरी जाति है एंथेरिया पेपिया, इससे प्राप्त होने वाला रेशम टसर सिल्क कहलाता है और इसका पोषक पादप अर्जुन होता है। नंबर तीन एंथेरिया एंथेरिया आशा मेंसिस, रेशम कीट की तीसरी जो जाति है वह एंथेरिया आशा मेंसिस, इससे प्राप्त होने वाला रेशम मूंगा सिल्क कहलाता है, इसका पादप है सोम। नंबर चार एटेकस रेसिनी, रेशम कीट की चौथी जो जाति है वो एटेकस रेसिनी, इससे प्राप्त होने वाला जो रेशम है वो एरी सिल्क कहलाता है, एरी सिल्क, और इसका पोषक जो पादप है वो अरंडी केस्टर, इसका वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस होता है। रेशम कीट की पांच नंबर की जो जाति है वह थायोपेलिया, थायोपेलिया रेलिजियोसा, थायोपेलिया रेलिजियोसा इससे जो प्राप्त जो रेशम है उसका नाम है देमुगा सिल्क और इसका जो पोषक पादप है वह मेचिलस, मेचिलस तथा फाइकस। हम पढ़ रहे हैं रेशम कीट की प्रमुख जातियाँ, तो यहाँ हमारे सिलेबस में ये रेशम कीट की पांच जातियाँ हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है बॉम्बिक्स मोराई, इससे प्राप्त होने वाला जो सिल्क है जो रेशम है वो मलबरी सिल्क कहलाता है, इसका पोषक पादप शहतूत होता है। नंबर दो एंथेरिया पेपिया प्राप्त रेशम है टसर सिल्क, पादप है अर्जुन। नंबर तीन एंथेरिया आशा मेंसिस प्राप्त जो रेशम है वो मूंगा सिल्क, पादप है सोम। नंबर चार प्रजाति है एटिकस रेसिनी प्राप्त जो रेशम है वह एरी सिल्क और पोषक पादप है अरंडी। नंबर पाँच रेशम कीट की जो जाति है थायोपेलिया रिलीजियोसा और इसे प्राप्त जो सिल्क है जो धागा है जो रेशम है वो देव मूंगा सिल्क और इसका पोषक पादप होता है मेचिलस तथा फाइकस। रेशम कीट की सबसे महत्वपूर्ण जाति बॉम्बिक्स मोराई होती है, रेशम कीट की सबसे महत्वपूर्ण जाति बॉम्बिक्स मोराई होती है। यह है सहतूत की पत्तियों, पर पाया जाता है। बॉम्बिक्स मोराई नामक रेशम कीट की जाति सहतूत की पत्तियों पर पाई जाती है, इसलिए इसे मलबरी सिल्क सलभ कहलाता है, मलबरी
सिल्क सलब कहा जाता है। तो यहां एक नंबर का छोटा प्रश्न बन रहा है, मलबरी सिल्क सलब का वैज्ञानिक नाम बताइए, तब राइट आंसर होगा बॉम्बिक्स मोराई। इस बॉम्बिक्स जो मोराई है इसका जो कुल है वह है बॉम्बिसिडी है, बॉम्बिसिडी। रेशम कीट इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं बॉम्बिक्स मोराई, इसका कुल है बॉम्बिसिडी। इस पार्ट में इस टॉपिक में मलबरी रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो मैं आज आपको मलबरी रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। मलबरी रेशम कीट के जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो कायांतरण किसे कहते हैं, यह हम पढ़ रहे रेशम कीट के बारे में। तो कायांतरण क्या होता है, देखिए कीट कीटों के जीवन चक्र में जब चारों अवस्थाएं, ये चारों अवस्थाएं कौन कौन सी, अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क, जब किसी कीट के जीवन चक्र में चारों अवस्थाएं यानी अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क पाई जाती हैं तो इस प्रकार का कायांतरण पूर्ण कायांतरण कहलाता है। मलबरी जो रेशम कीट है इसके जीवन चक्र में अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क चारों स्टेज पाई जाती हैं, इसलिए मलबरी रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। रेशम कीट का लार्वा क्या कहलाता है, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम कीट का लार्वा क्या कहलाता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड की दृष्टि से हो चाहे कंपटीशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कैटरपिलर है, एक एक क्वेश्चन बन रहा है, कैटरपिलर है, अंडा दो नंबर में आ गया, लार्वा नंबर तीन में आ गया, प्यूपा और नंबर चार में आ गया एडल्ट या वयस्क प्रौढ़ चार। तो कैटरपिलर है, अभी मैं रेशम कीट की लार्वा अवस्था के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो कैटरपिलर क्या है, लार्वा। राइट आंसर क्या होगा, लार्वा। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन क्वेश्चन बन रहा है और बोर्ड की दृष्टि से प्रश्न बनता है, रेशम कीट की लार्वा अवस्था का नाम बताइए, तब इसका राइट आंसर है कैटरपिलर। दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र में चारों अवस्थाएं अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क पाई जाती है, जो सबसे एक्टिव स्टेज होती है, सबसे सक्रिय अवस्था होती है वह लार्वा अवस्था होती है। रेशम कीट की लार्वा अवस्था में पांच इनस्टार स्टेज पाई जाती है, जिसमें चार बार निर्मोचन होता है, इसको तवक पतन भी कहते हैं, कक्षा 11 में भी बार बार निर्मोचन के बारे में हमने पढ़ा था। आगे बात करते हैं, रेशम कीट में रेशम ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये रेशम ग्रंथियां जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं उनका रूपांतरण होती है। तो रेशम कीट में पाए जाने वाली रेशम ग्रंथियां किनका रूपांतरण होती हैं, लार ग्रंथियों का रूपांतरण होती है।
तो ये रेशम कीट वाला टॉपिक है, इसमें इतने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कोई सीमा नहीं है। हर एक लाइन में नया पर्सन बन रहा है, हर एक लाइन में नया पर्सन बन रहा है। अब आगे देखिए, हम रेशम कीट के लार्वा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेशम कीट का जो लार्वा है वह आगे चल करके एक्टिव होकर शहतूत की पत्तियों खाता है और पूर्ण विकसित होकर भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। इसमें यह अपने ऊपर रेशम के धागों को लपेट कर कोकून में बदल जाता है। और जैसे जैसे यह आगे परिवर्तित होता रहता है तो लार्वा से अगली स्टेज प्यूपा आ जाती है, क्योंकि जब अंडे का स्फुटन होगा तो उससे लार्वा निकलेगा। अब लार्वा जब अपनी पूरी स्टेज प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद में अगली स्टेज प्यूपा में बदल जाएगा। अब यहाँ फिर प्रश्न बनता है कि रेशम कीट का प्यूपा क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा रेशम कीट की लार्वावस्था को क्या कहते हैं, तब लार्वावस्था थी कैटरपिलर। यहाँ आ गया ही रेशम कीट की प्यूपा को क्या कहते हैं, या रेशम कीट की प्यूपा अवस्था का नाम बताइए, क्राइसेलिस। रेशम कीट के प्यूपा को क्या कहा जाता है, क्राइसेलिस कहा जाता है। अब प्यूपा है 10-12 दिनों के पश्चात जो कोकून है उसको गला देता है और वयस्क सलभ के रूप में बाहर आ जाता है। इस प्रकार से अभी मैंने बताया कि रेशम कीट में पूर्ण कायांतर पाया जाता है। जब अंडा है उसका स्फुटन होगा तो उसे लार्वा आएगा, लार्वा शहतूत की पत्तियों खाएगा, सबसे एक्टिव स्टेज होती है, बाद में यह प्यूपा में बदल जाएगा, प्यूपा फिर इसके पास 10-12 दिन पश्चात वयस्क में बदल जाता है। तो इस प्रकार से रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसमें पूर्ण कायांतर पाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं रेशम कीट में होने वाले रोग कौन कौन से हैं। रेशम कीट के रोग तो रेशम कीट में दो प्रकार के रोग या बीमारियां होती हैं, जिनमें नंबर एक है पेब्राइन। ये पेब्राइन जो रोग है या जो बीमारी है इसके दो प्रकार हैं, एक है वायरस पेब्राइन, ये वायरस के द्वारा होता है रोग, और दूसरा है प्रोटोजोआन पेब्राइन, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पेब्राइन रेशम कीट का रोग होता है। नंबर दूसरा है फ्लेचरी व गेरेसरी। फ्लेचरी व गेरेसरी क्या है, रेशम कीट के रोग हैं। ये फ्लेचरी व गेरेसरी बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, ये रोग ना बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होते हैं। हम रेशम कीट के जो रोग हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रेशम कीट में होने वाले जो रोग हैं उनमें नंबर एक पेब्राइन। ये पेब्राइन रोग दो प्रकार का होता है, यानी ये एक तो वायरस के द्वारा फैलता है, तो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग वायरस पेब्राइन कहलाएगा, और प्रोटोजोन के द्वारा फैलने वाला पेब्राइन रोग प्रोटोजोन पेब्राइन कहलाएगा। रेशम कीट का जो दूसरा रोग है वह फ्लेचरी व गेरेसरी। फ्लेचरी व गेरेसरी क्या हैं, रेशम कीट के रोग हैं। ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होते हैं। इस प्रकार से आज ये हमारा जो टॉपिक है रेशम कीट सेरिकल्चर ये पूरा होता है। थैंक यू।